फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ये पीपीआर की फिटिंग की हुई है, देखिए ये हमने सावर वाली लाइन रखी हुई है, जो ये वाली लाइन है सावर वाली लाइन, इसकी और इसकी दूरी 6 इंच या 6.5 इंच रखनी चाहिए। अरे यहाँ से यहाँ की दूरी 7 इंच रखनी चाहिए शावर की लाइन की दूरी। देखिए और ये हमने यहाँ गीजर लगाया हुआ है और गीजर की ये वाला जो चीज़ है ये हमारी सोलर का पानी आएगा यहाँ से होता हुआ, यहाँ से जाता हुआ यहाँ निकलेगा यहाँ, और इधर को हमने ये वाली लाइन जो है 2 पॉइंट ये वॉश बेसिन के लिए दिए हुए हैं, और साथ में ही इधर हमारा टॉयलेट सीट का सिस्टम है। यहाँ पे हम टॉयलेट सीट उठाएंगे, इंग्लिश सिंपल वाली उठाएंगे, और जो ये नीचे से आई हुई है सोलर की लाइन जो है सोलर की लाइन है ये वाली ये चली गई इससे और वहाँ बाहर निकल गई, यहाँ से सोलर के साथ कॉन्टेक्ट होगी, वाटर सोलर वाटर हीटर के साथ कॉन्टेक्ट होगी और यहीं से दूसरे बाथरूम में भी यहीं से इससे परली साइड भी एक बाथरूम है वहाँ को गई हुई है। और जो ये है ये हाँ पीपीआर की फिटिंग है, जो एल वाली लाइन है ये हमारी बाहर को गई हुई है, ये टैंक के साथ कॉन्टेक्ट हो गया है, और ये हमारा ऊपर गीजर सिस्टम है और ये वाला सावर है, एलवेंड वाल सावर लगेगा यहाँ पे, एलवेंड वाल शावर। अभी दूसरे बाथरूम में हमारी पूरी फिटिंग नहीं हुई है, थोड़ी सी हुई है वो मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स नीचे वाली लाइन है ये हमारी सोलर वाटर हीटर की लाइन आई हुई है, ऐसे ऐसे करके ये भी गीजर के साथ ऊपर कंटेक्ट हो गया। अभी ये लाइन हमने उठाई नहीं है और ये हमारा अभी थोड़ा सा काम हुआ है, अभी इधर काम चला हुआ है हमारा, और यहीं पे हमारी टॉयलेट सीट भी हम यहीं पे उठाएंगे इसी पॉइंट पे, जो है नीचे पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये फ्लश का पॉइंट है, और यहीं ऊपर हमारा शावर आएगा। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का तो सारा काम कर दिया है, जो हमारा कटिंग का काम था वो तो हमने कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने मसाला बनाया हुआ है, इसको हम कहाँ लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी ये पीपीआर की मशीन है और ये हमारा ब्रेकर है, हैमर ब्रेकर, जो जैसे लाइन हमने बिछा दी है तो इस पे हम वो सीमेंट मारेंगे कि जिससे ये चीज़ हिले जुले नहीं, जैसे हमने सेट की है वैसे ही रहनी चाहिए। और यहाँ भी हम सीमेंट मारेंगे, यहाँ पे भी ये लाइन हमारी हिलनी नहीं चाहिए, अगर कहीं हिल गई प्लास्टर करते वक्त तो बाद में हमें प्रॉब्लम आ जाती है बाल मिक्सर सेट करने में। तो ठीक है फ्रेंड्स धन्यवाद, अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं, धन्यवाद।